नाउ वी विल सी कि हमने देखा था अभी तक कि हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन टू लंग्स, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा हुआ, दो लंग्स के बीच में। उसका शेप दिख रहा है कैसा दिख रहा है, कोनिकल शेप में, कोनिकल शेप में। उसका जो थोड़ा सा एपेक्स वाला पार्ट कहाँ है, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट लंग्स है, एंड दिस इज वॉट राइट लंग। दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट, उस स्पेस को हमने क्या नाम दिया था, मीडिया स्टेनम। क्या नाम दिया था हमने, मीडिया स्टेनम। और हार्ट का साइज कितना होता है हमारे, एक वन क्लेंच फिस्ट जितना। साइज ऑफ आर हार्ट, हमारे हार्ट का साइज कितना होता है, ऑफ आर हार्ट इज वन वन क्लेंच फिस्ट, हमारे एक मुट्ठी जितना, बंद मुट्ठी जितना, क्लेंच्ड फिस्ट। यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो पार्ट है हार्ट का, छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, छोटा सा पार्ट कहाँ है, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। उसको यहाँ के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। यहाँ का जो लंग्स वाला पार्ट है वहां क्या बोलेंगे, कार्डियक नॉच। क्यों, क्योंकि वहां पे लेफ्ट वाला पार्ट, कार्डियक का जो लेफ्ट एपेक्स वाला पार्ट है वहां पे आके क्या हो रहा, अटैच हो रहा है, लंग से जाके अटैच हो रहा है, दैट्स वी कॉल कार्डियक नॉच। नाउ वी विल सी वॉल ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल लेयर, ऐसे दो लेयर होंगे, दिस इज योर फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय हमारा हार्ट। कैसे प्रोटेक्टेड, डबल वॉल लेयर, डबल वॉल होता है, डबल वॉल लेयर। सी अभी यहां पे दिख रहा होगा, दिस इज योर हार्ट। डबल वॉल लेयर का मीनिंग क्या है, सी एक लेयर तो इसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ, बनना बनिया, सी यहां पे देखो ये सबसे कैसा लेयर, आउट इनर मोस्ट वाला। अभी आउटर लेयर देखते हैं, और ये कैसा लेयर होगा, सबसे बाहर वाला। तो डबल वॉल हो गया ना, ये आउटर और इनर, ये दोनों लेयर को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। वॉल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, फर्दर पेरिकार्डियम डिवाइडेड होता है। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट वॉल। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, हार्ट वॉल, क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, वॉल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। हमारा हार्ट डबल वॉल लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। नाउ वी विल सी कि पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम भी फर्दर डिवीजन होता है पेरिकार्डियम में, सी मैं आउटसाइड टू इनसाइड लेयर ले रही हूँ, आउटसाइड बाहर से अंदर की तरफ। तो यहाँ डायग्राम में देख, यहाँ डायग्राम के अंदर देखो, सबसे बाहर वाला क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर क्या दिखेगा, पराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड्स होंगे, कोई ना कोई फ्लूइड्स होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ कैसे होगा, कौन कौन से लेयर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, ये सबसे बाहर वाला लेयर है, दैट इज पेरिकार्डियम। नाउ वी विल सी एपिकार्डियम। मायोकार्डियम, इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम। और यहां पे कहीं तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होगा, ऐसा समझो, ठीक है। सी अभी पेरिकार्डियम में भी टू लेयर्स में डिवाइडेड होता है, ये सबसे आउटर वाला हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इनर इनर पार्ट हो गया सेरस पेरिकार्डियम।
सेरस पेरिकार्डियम में भी टू पार्ट देखने मिलते हैं। सेरस पेरिकार्डियम में टू पार्ट देखने मिलता है, ये जो आउटर दिख रहा है यहाँ पे, ये बाहर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे, पराइटल सेरस पेरिकार्डियम, और यहाँ एपिकार्डियम कोई हम क्या बोलते हैं, इस एपिकार्डियम विच इज अ लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, इस एपिकार्डियम को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल, विसरल सेरस पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में, पराइटल सेरस पेरिकार्डियम और विसरल सेरस पेरिकार्डियम के बीच में एक कैविटी होती है जो यहाँ पे दिख रही है, ये ब्लू कलर और ये पराइटल किसके बीच में दिखती है, विसरल पेरिकार्डियम, दिस इज विसरल पेरिकार्डियम, किसके बीच में दिख रही है वो पेरिकार्डियल कैविटी, विसरल पेरिकार्डियम एंड पराइटल पेरिकार्डियम के बीच में कैविटी, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, और किससे फिल्ड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड से। इसका फंक्शन क्या है पेरिकार्डियल फ्लूइड का, शॉक एब्जॉर्बर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, ज्यादा से ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब करती है, ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, नॉइज होता है हमारे आसपास तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, शॉक एब्जॉर्बर कौन, पेरिकार्डियल फ्लूड कहाँ प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी कहाँ है, बिटवीन सेरस विसरल सेरस पेरिकार्डियम एंड पराइटल सेरस, बिटवीन पराइटल सेरस पेरिकार्डियम एंड विसरल सेरस पेरिकार्डियम। तो पूरा लेयर देखते हैं हम लोग अभी, नाउ स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग लेयर, यहाँ पे दिस इज योर एंडोकार्डियम दिख रहा है यहाँ, क्लियर है, मिडल वाला पार्ट विच इज द थिकेस्ट पार्ट, और जो किसमें हेल्प करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा लेयर हेल्प करता है, मायोकार्डियम, दैट्स वाई इट्स मस्क्यूलर, मस्क्यूलर है, और ये कौन से मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से, इसके अंदर बीच बीच में, इसके सेल्स के बीच में इंटरकलेटेड डिस्क देखने मिलता हो, जी किसमें हेल्प करते हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, कौन सा लेयर हेल्प करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, मायोकार्डियम, दैट्स व्हाई व्हिच इट इज थिकेस्ट इन नेचर। नाउ एपिकार्डियम, एपिकार्डियम देन वी विल सी, एपिकार्डियम को हम क्या बोलते हैं, विसरल, विसरल एपिकार्डियम को हम क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, दिस इज योर पराइटल, फाइब्रस वाला नहीं बना, दिस इज योर पराइटल सेरस पेरिकार्डियम, पराइटल सेरस पेरिकार्डियम, इसके इनर मोस्ट होगा सेरस, विसरल सेरस पेरिकार्डियम, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। नाउ द सेकेंड मोस्ट लेयर, द थिकेस्ट वन विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, विच इज मायोकार्डियम, इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, इन दोनों के बीच में क्या आता है, पराइटल सेरस पेरिकार्डियम एंड विसरल सेरस पेरिकार्डियम के कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल कैविटी, क्या कहते हैं हम उसे, पेरिकार्डियल कैविटी, क्या कहते हैं हम उसे, पेरिकार्डियल कैविटी, और जो किससे भरा हुआ होता है, फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर पराइटल सेरस पेरिकार्डियम में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो फाइबर से बना हो उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सी तुम्हारा पेरिकार्डियम में कौन कौन सा पार्ट आ गया, एपिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम आर दी पार्ट ऑफ एपिकार्डियम, एपिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम आर दी पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम, दैट इज
पूरे पेरिकार्डियम में कौन कौन सा लेयर आ गया? फाइब्रस पेरिकार्डियम विच इज आउटर मोस्ट, पराइटल सेरस पेरिकार्डियम, विसरल सेरस पेरिकार्डियम विच इज ऑल्सो नोन एज एपिकार्डियम, फर्दर मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियल कैविटी किसके बीच में प्रेजेंट है? बिटवीन पराइटल सेरस पेरिकार्डियम एंड विसरल सेरस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका फंक्शन क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। किसकी तरह एक्ट करता है ये शॉक एब्जॉर्बर? और इनर मोस्ट लेयर कौन सा? एंडोकार्डियम। ये क्लियर है, यहाँ बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है एनसीईआरटी में, पराइटल सेरस पेरिकार्डियम, विसरल सेरस पेरिकार्डियम, बस यहाँ पे बट सेरस पेरिकार्डियम होता है। योर पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इंटू टू, फाइब्रस एंड सेरस। सेरस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, पराइटल सेरस पेरिकार्डियम एंड विसरल सेरस पेरिकार्डियम। विसरल सेरस पेरिकार्डियम विच इज ऑल्सो नोन एज एपिकार्डियम। नाउ वी विल सी, दिस इज हमारा हार्ट लेयर कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सी हमारा हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं। दिख रहा है टू अपर चेम्बर, यहाँ पे दिख रहा है टू अपर चेम्बर। सी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस स्लाइड्स में बहुत क्लियरली दिख रहा होगा ये। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, जिसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। मैंने बताया था एट्रिया और एट्रियम वर्ड कब यूज करते हैं, एट्रियम एंड ऑरिकल्स आर यूज फॉर सिंगुलर, सिंगल होते तब यूज करते हैं, और एट्रिया प्लूरल वर्ड में। तो लेफ्ट एट्रियम, टू अपर चेम्बर, टू अपर स्मॉल साइज, दिख रहा अपर साइज स्मॉल दिख रहा है ना, अपर चेम्बर। टू अपर स्मॉल साइज चेम्बर्स आर कॉल्ड, से क्या बोलता हम लोग, एट्रियम। तो है इसलिए एट्रियम और एट्रिया, एट्रिया। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। यहां पे क्या दिख रहा है बिलो लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, टू लोअर लार्ज साइज चेम्बर। क्या है वो? वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वेंट्रिया, वेंट्रिया नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है। राइट एट्रियम, टू हार्ट में हमारे फोर चेम्बर्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट में हमने पढ़ा था फोर चेम्बर्स होते हैं, कौन कौन से? टू अपर स्मॉल साइज राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, टू लोअर लार्ज साइज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ सेप्टम दिख रहा होगा, सेप्टम। किसी भी दो घर, एक घर है उसमें टू में डिवाइड करना है, एक घर को मुझे दो बनाना है तो बीच में पार्टीशन लगा देते, वैसे ही यहाँ पे देखने मिलेगा। ये दिस इज योर हार्ट, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, पार्टीशन। एक कमरा था, एक रूम था, मैंने उसके अंदर दो पार्टीशन कर दी, तो कितने चेम्बर्स बन गए, कितना घर बन गया? चार, दो ऊपर दो नीचे, ऐसा समझो। जो ऊपर वाले वो छोटे छोटे हैं और जो नीचे नीचे के जो चेम्बर्स है वो लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू दिस टू वंस, अपर टू वंस, लोअर टू टू वंस आर बिगर। तो ये अपर वाला क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, दो आट्रिया के बीच में जो सेप्टम, दोनों को पार्टीशन किया है ना मैंने, तो दो आट्रिया के बीच में, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो पार्टीशन है उसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन को यहाँ पे वर्ड यूज किया गया सेप्टम। और किसके बीच में? आयोटा के बीच में, नॉट आयोटा, आट्रिया के बीच में। तो इंटर, बिटवीन किसके? इंटर आट्रियल सेप्टम। सेम सेप्टम प्रेजेंट होगा वेंट्रिकल्स के बीच में, वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरल वेंट्रिकुलर सेप्टम।
दो आर्ट्रिया के बीच में अगर सेप्टम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल। और एज कम्पेयर टू दिस इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम थोड़ा थिन होता है, क्योंकि आर्ट्रिया स्मॉल साइज है, उन दोनों के बीच का जो पार्टीशन है वो कैसा, थोड़ा पतला है। और वेंट्रिकल्स जो लार्ज साइज में क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया, उनके बीच का सेप्टम कैसा, थोड़ा थिक है। थिक ये याद रखना, पार्टीशन एक आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में भी है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के वर्ड्स आ गए, इंटर इन बिटवीन, किसके बीच में, एक आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, इंटर आर्ट्रियल, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, दोनों ही होगा, राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा सेप्टम होता, इंटर आर्ट्रियो। यहां मैं क्लियरली लिखती हूँ, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना क्लियर है। हमारे ह्यूमन हार्ट्स में फोर चेम्बर्स होता है, अपर टू चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया, लोअर टू चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स। जो आर्ट्रिया होता है स्मॉल साइज का होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, उस आर्ट्रिया दो आर्ट्रिया, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, एक सेप्टम होता है, दोनों के बीच में एक बाउंड्री होती है, बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर क्या बोलते हैं हम, सेप्टम, किसके बीच में, दो आर्ट्रिया के बीच में, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटर आर्ट। यहाँ पे देखने मिल रहा है, यहाँ जो पार्ट है वो क्या है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये क्या है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, थिक दिख रहा है ना, थिक यहाँ पे बहुत पतला दिखने मिलता है, बहुत ही पतला होता है, दो आर्टेरिया के बीच में जो सेप्टम होता है बहुत थिन होता है, और दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो बहुत ही थिक होता है। क्यों, क्योंकि इसे ब्लड पंप करना, आगे देखेंगे हम, ब्लड पंप करना होता है, कैसा होता है, थिक होता है। और एक आर्टेरिया के वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर इन बिटवीन आर्ट्रियो वेंट्रिकल, आर्ट्रियो और वेंट्रिकल्स के बीच में, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स क्या बोलेंगे इसे, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और यहां पे ही नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं ड्रॉ करती हूँ। सी दिस इज योर हार्ट का चेम्बर, दिस इज योर हार्ट का फोर चेम्बर। ये हमारा क्या था, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इसको हमने क्या नाम दिया था, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको भी सेम नाम है, सेम इसे भी सेम नाम होगा, इसे क्या नाम दिया था हमने, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इसे क्या नाम दिया था हमने, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, आगे देखते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी एक आर्ट्रिया के चेम्बर्स में और एक वेंट्रिकल्स के चेम्बर्स में कौन सा सेप्टम होता है, इंट्रो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम। यहाँ पे एक वाल्व देखने मिलता है, एक ओपनिंग देखने मिलती है, जैसे नल देखा होगा उसको ओपन या बंद करने के लिए वाल्व होता है, सेम चीज यहाँ पे भी, सेम चीज तुमको यहाँ पे भी देखने मिलेगी, यहाँ पे एक ओपनिंग देखने मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में थ्री फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्री फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, वाल्व और कस्प, कप्स, कस्प। और कितने दिख रहे हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, तीन फ्लैप दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक दो तीन, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस
कहाँ प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। सेम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में भी टू फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है? थ्री फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, जिस ऑल्सो नोन एज कस्प। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वेल्व, विच इज ऑल्सो नोन एज, और क्या बोलते हैं हम इसे? माइट्रल वेल्व, माइट्रल वेल्व। और ये बाय और ट्राई कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे थ्री फ्लैप्स है, दैट्स वाई ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे दो फ्लैप्स है, दैट्स वाई इज कॉल्ड बाइकस्पिड वेल्व। ये वेल्व्स करते क्या है, इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट, अभी ब्लड यहाँ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए, जैसे ही सेम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया वापस रिटर्न ना हो जाए, इसे प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? ये वाल्व, दैट इज प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करता? प्रिवेंट बैक फ्लो, ब्लड का उल्टा फ्लो, को उल्टा फ्लो ना हो जाए, इसे प्रिवेंट करता है कौन? वाल्व। कौन से वाल्व? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स। ट्राइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट होता? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। इस वाल्व का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या करता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड।